क्रिसमस के मौके पर दिल्ली नोएडा के लोगों को सोमवार को बड़ा तोहफा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजेंटा लाइन का उद्घाटन किया और उसकी पहली सवारी भी की। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ एवं राज्यपाल राम नायक भी मौजूद थे। मजेंटा लाइन के पहले चरण में नोएडा के बोटेनिकल गार्डन से साउथ दिल्ली के कालकाजी तक मेट्रो दौड़ेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम कानपुर और आगरा में नई मेट्रो लाइन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो की मजेंटा लाइन का उद्घाटन नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विकास के सपनों को साकार करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के विकास के लिए जो सपना देखा गया था, उस सपने को साकार करने की दृष्टि से आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उत्तर प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के 12.64 किलोमीटर के इस हिस्से में कुल 9 स्टेशन बोटेनिकल गार्डन, ओखला बर्ड सेंचुरी, कालिंदी कुंज, जसोला विहार, शाहीन बाग, ओखला विहार, जामिया मिलिया इस्लामिया, सुखदेव विहार, ओखला NSIC तथा कालका मंदिर शामिल होंगे। अब तक किसी भी यात्री को बोटेनिकल गार्डन से कालकाजी आने के लिए पहले ट्रेन पकड़कर 10 स्टेशन पार करते हुए लगभग 29 मिनट की यात्रा के बाद मंडी हाउस पहुंचना पड़ता था और फिर मेट्रो बदलकर लगभग 28 मिनट की यात्रा में 10 और स्टेशन पार करने होते थे। इस पूरी यात्रा में लगभग 47 मिनट मेट्रो में दूरी तय करने, 5 मिनट मेट्रो बदलने में लगाने की वजह से कुल 52 मिनट खर्च होते थे और अब यह 52 मिनट का सफर सिर्फ 19 मिनट का रह जाएगा, जिससे यात्री का लगभग आधा घंटे का समय कम खर्च होगा। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के इस हिस्से से विद्यार्थी खास तौर से लाभान्वित होंगे, क्योंकि इसी लाइन पर जामिया मिलिया इस्लामिया तथा MET यूनिवर्सिटी आती है। नोएडा से फरीदाबाद की यात्रा करने वाले यात्री भी कालकाजी मंदिर पर ट्रेन बदल सकेंगे और सीधे फरीदाबाद जा सकेंगे, जिससे उनका भी काफी समय बचेगा। बोटेनिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट तक जाने वाली कुल 38.23 किलोमीटर की इस मजेंटा लाइन पर होस्कास में ट्रेनें बदलने वाला स्टेशन इंटरचेंजेबल स्टेशन भी होगा। इस लाइन के पूर्णतया संचालन के बाद नोएडा से गुड़गांव जाने वाले यात्री भी होस्कास में ट्रेन बदल सकेंगे और उन्हें बेहद भीड़भाड़ वाले राजीव चौक स्टेशन तक नहीं जाना पड़ेगा। मिली खबरों के मुताबिक यह लाइन अगले वर्ष तक चालू हो जाएगी। बोटेनिकल गार्डन पर मेट्रो का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो से ही ओखला बर्ड सेंचुरी पहुंचे, जहां से नोएडा सेक्टर 94 तक रोड शो किया गया। इसके बाद पीएम का काफिला नोएडा सेक्टर 126 पहुंचा, जहां MET यूनिवर्सिटी में पीएम ने जनसभा को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टाइम्स इंडिया।